बरेली जनपद के मझकुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत खैलम देहा जागीर गांव में बाजार में नया निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें बताया गया है कि नई ईंटों की जगह पुरानी ईंटों व रेता से चुनाई कराई जा रही है, जिसे गांव के कुछ लोगों ने मना किया तो ग्राम प्रधान प्रतिभा ठेकेदार को मिली भगत से कार्य किया जा रहा है, जिसे गाँव के आरिफ खान ने मुख्यमंत्री व जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत करा दिया, जिसे ब्लॉक के अधिकारी ने पहुँच कर कार्य को देखा। तभी ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान की मनमानी बताई। और आपके ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान पति ईशन का हाथ, ग्राम प्रधान खातून। तो आपके यहाँ बाजार में पुरानी ईंटों से काम हो रहा है? नहीं, से पुरानी ईंटों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि के हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20 लाख से भी अधिक रुपया ग्राम पंचायत की सरकारी बाजार के लिए नव निर्माण कार्य के लिए दिया, जिससे के प्रधान पति और ठेकेदार मनमानी ढंग से घटिया ईंटों का, पुरानी ईंटों का जो बाजार में पुरानी ईंटें लगी थी उनको उखड़वा कर और दोबारा उन्हीं ईंटों से रिपेयर कराकर खानापूरी करके सारे पैसों को हजम करना चाहते हैं, जो कि रेते के द्वारा चुनाई हो रही है, जबकि कोई उसमें सीमेंट नहीं, कोई क्या नाम उसमें अधिक सामग्री नहीं लगा। तो आपने किसी अधिकारी को एप्लीकेशन दी? हाँ, जिसमें एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए अवगत करा दिया गया है एप्लीकेशन के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय बरेली को अवगत करा दिया गया है एप्लीकेशन के माध्यम से, और मुख्य पंचायत राज प्रमुख सचिव पंचायत राज नकलों को अवगत करा दिया गया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, मझकवा बरेली। आगामी लोकसभा चुनाव व होली के मद्देनजर हापुड़ में फ्लैग मार्च, सभी संवेदनशील इलाकों व बाजारों में पुलिस प्रशासन ने स्थानीय पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ निकाला शहर में कई किलोमीटर तक पैदल फ्लैग मार्च। वहीं थाना कोतवाली के फ्रीगंज रोड सहित कई चौराहों पर यह अभियान चलाया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतुल त्यागी की रिपोर्ट, हापुड़।